नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या शहादतगंज मिर्जापुर गांव के ऐसी शख्सियत जो तमाम लोगों को दुआओं के माध्यम से उनके दुख दर्द दूर करते हैं। आज साबिर भाई अपने परिवार के साथ हज करने मक्का मदीना जा रहे हैं, जहां लोग वहां जाने के बाद जब आते हैं तो उनको लोग हाजी के नाम से संबोधित करते हैं। हाजी शब्द एक ऐसा प्रभावशाली है जिस पर लोग नतमस्तक हो जाते हैं। तो आज ऐसी शख्सियत साबिर भाई अपने परिवार के साथ यहां से शाम को रुखसत होंगे और लोगों के लिए दुआ करेंगे, भारत के लोगों के लिए उनके सुख और शांति की दुआ मांगेंगे। ऐसे लोकप्रिय और गंगा जमुना तहजीब के मिसाल के रूप में साबिर भाई को लोग देखते हैं, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को साकार करने और समाज के सभी वर्ग को तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। बीच में साबिर भाई हैं, जो यहाँ के एक हस्ती हैं, विभूति हैं, तमाम ऐसे लोगों की जो है कष्ट और परेशानी दूर करते हैं। और आज ऐसी शख्सियत आज जो है दोनों लोग आज जो है जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं और आज के बाद इनकी गरिमा और पद बढ़ जाएगा, हाजी कहलाएंगे। तो सबसे बड़ी बात मैं पूछना चाहूँगा सर, ये बताइए आपको हज जाने के लिए कैसे आपके दिमाग में आया कि हज किया जाए और हज जाने का क्या उसका असर, क्या फ़ायदा होता है, क्या लगा? ये हमारे सरकार की ख्वाहिश थी, सरकार ने हमको बुलाया है, इसलिए हम हज को जा रहे हैं और सबके मगफरत के लिए। क्या संदेश देना चाहेंगे, चूँकि आपके तमाम लोग यहाँ चाहने वाले हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले हैं और अभी हमने देखा तमाम भीड़ वहाँ पे आपके पास हजारों हजार सैकड़ों संख्या में तादाद में आपके चाहने वाले लोग हैं, क्या उनको क्या संदेश देंगे सर? संदेश ये है कि हम हिंदुस्तान में अमन चमन के लिए हम दुआ करेंगे कि हमेशा के लिए ठीक रहे, हर चीज़ से, हर बला से, मुसीबत से बचे। तो गंगा जमुनी तहजीब की जो एक मिसाल कायम किया है आपने साबिर भाई ने, और आज हमारे मैं इसे जानना चाहता हूँ कि मैम बताइए आप जा रही हैं कैसा लग रहा है, कि चूँकि एक इतने बड़े दरबार में जा रही हैं आप जहाँ पे लोग जाने लिए तरसते हैं और आज आपको मौका मिल रहा है, तो क्या कहेंगी? हमें बहुत अच्छा लगा था, अपने सरकार की और अभी आपने क्या नाम बताया आपने अपना? फरखाना ने कहा कि मैं हिंदुस्तान की दुआ के लिए मैं आज जा रही हूँ हज करने और बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि एक ऐसे जगह पर जाना मिलता है जहाँ पे लोग तरसते हैं। तो और हमारे साबिर साहब जो हैं तो इनके भी एक अपनी विशेषताएं हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के मैं देखता हूँ कि हर हिंदू मुस्लिम सभी इनके साथ रहते हैं, और जबकि हिंदू की जो है भावनाओं इनके हिंदू के लोग ज़्यादा इनसे जुड़े हुए हैं और लोगों के दुखों को दर्द दूर करते हैं। एक इनके अंदर क्षमता वो है, वो कला है, वो पारदर्शिता है कि जिनके पास पावर इनके पास है उस पावर का इस्तेमाल करके आज जो है तमाम लोग यहाँ पर सवाब देते हैं, उनको उनकी सुविधा देते हैं, उनकी तमाम समस्याओं दूर करते हैं। और आज जो वहाँ जाने के बाद इनके पास पावर बढ़ जाएगा, क्षमता बढ़ जाएगी और इनकी गरिमा बढ़ जाएगी। तो आज आप जा रहे हैं और लोगों से मैं चाहता हूँ कि आप कुछ लोगों को जो संदेश देना चाहते हैं उनको आप खुश, वो हमेशा खुशहाल रहें, मेरी दुआएँ हैं उनके साथ। हम सरकार से दुआ करेंगे कि हमेशा हमेशा के लिए स्वच्छ रहें और सुंदरता रहे और ईमान से रहें। तो ईमान से रहें, स्वच्छता रहे, देखिए सब दिखाई सर। तो यहाँ पर आज तमाम लोग देखिए भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, सब दिखाइए। तो लोग आज इनसे, क्योंकि इनको आज रुखसत करना है, यहाँ से विदा करना है, और ऐसे में लोगों के लोग जाते हैं तो लोग अपनी आँखों में आंसू ले जाते हैं। अभी हमने देखा एक मैम थी, उनके आंखों में आंसू था क्योंकि आज जाने वहाँ जाने वाला सर। इस चीज़ बताइए लोग जाते हैं दुखी क्यों होते हैं? इसलिए परिवार के लिए दुआ करने के लिए जाते हैं यहाँ, तो जाने का जो है खुशी है ये। हाँ, ये खुशी के आंसू है, ये खुशी के आंसू है कि आदमी जब जाता है कहीं से तो उसको खुशी के आंसू होती है। आज साबिर भाई जा रहे हैं, मेरी भी दुआएं हैं, मेरी इंडिया न्यूज़ की तरफ से इनकी दुआएं हैं, इंडिया समाचार से, कि ये जाएँ वहाँ पर और वहाँ से अपना सवाब लेके आएँ और यहाँ के भाईचारों के मिसाल कायम करें और इसी तरह से लोगों को जो है दुआएँ इनके प्रति इनका दुआ देते रहें, लोगों की जो है बरकत होती रहे। मैं अध्यक्ष रिया सातो कार्तिक श्रीवास्तव तो मिर्जापुर गाँव बोलता है और ये शहादतगंज लखनऊ रूट है, जो भी आप देख रहे हैं कि अयोध्या देवरिया गोरखपुर इधर जाता है और लखनऊ रोड इधर जा रहा है। तो आज हमारे बीच में मैं जहाँ आया हूँ साबिर भाई के यहाँ आया हूँ, जहाँ पर आज ये हज करने जा रहे हैं और हज करने में जो हमिदो धर्म होता है कि जो चारों धाम लोग जाते हैं तो वहाँ लौट करके आते हैं, एक भव्य भंडारा करते हैं। लेकिन यहाँ की एक परंपरा है कि जब मुस्लिम भाई यहाँ जाते हैं हज करने जाते हैं तो यहाँ पर भंडारा करके आते हैं। बड़ी अच्छी बात यह है, सोचने बात है कि लोग हज करने जब जाते हैं तो लोगों की आँखों में आंसू होता है।
और उस आंसू के आने बाद उनकी आंखों में आंसू क्यों होता है, क्या वो पीड़ा क्यों, क्यों दर्द क्यों होता है, कहीं खुशी का होता है, कहीं गम का होता है। तो अभी हमने साबिर भाई से बात किया जब, तो उन्होंने ये कहा था कि जब लोग वहाँ से जाते हैं तो ये होता कि लौट के आएंगे या नहीं आएंगे, इसलिए यहाँ प्यार लोग मोहब्बत से मिल करके और जाते हैं। और हमारे बीच में साबिर भाई हैं जिससे मैं बात करना चाहता हूँ। अब दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए किस तरह से भंडारा चल रहा है। अभी सुबह से यहाँ पे भंडारा चल रहा है, लोग निरंतर यहाँ पे भोजन कर रहे हैं। उस भंडारे के साथ आज दिखाना चाहना चल रहा है। और हमारे बीच में जो है साबिर भाई हैं और इनकी जो है यहाँ इनका रुखसत होंगे यहाँ से। तो सर अभी आपसे मैं बात पूछा था कि जैसे हिंदू धर्म में होता है लोग जाते हैं चारों धाम यात्रा करते हैं और जो वहाँ से आते हैं तो ये भंडारा करते हैं, और आप यहाँ परंपरा है कि आप पहले कर देते हो और लौट, इसका कारण क्या है? पहले इसलिए कर देते हैं, हो सकता है कि वहाँ से जिंदा आवे या ना आवे, इसलिए पहले ही खिला दूँ पुनः यही मिल जाए पहले। अच्छा, जो सर आप जो जाते हो लोग आपको विदा करते हैं उनकी आंखों में आंसू होता है, आप जाते हो तो भी आते तो ये भी होता है कि खुशी के आंसू आपके अंदर होता है कि हम जा रहे हैं? नहीं, उनके अंदर भी खुशी होती है। तो आपके अंदर भी दुखी मेरे लिए दुआ करो कि हमको भी बुलाओ। अच्छा, ये भी होता है कि हम वहाँ से आएंगे लौट के आएंगे नहीं आएंगे, और यहाँ के लोग जो विदा करते होंगे वो भी सोचते होंगे कि जा रहे हैं लौट के नहीं आएंगे। तो ये तो बहुत पैरानी बात है, जब सर लोग जहाज से जाते थे पानी जहाज जाते थे, आज हवाई जहाज लोग जाते हैं तो सुरक्षित जाते हैं, सुरक्षित लौट आते हैं। तो अब खुशी के आंसू होते हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है? हाँ, खुशी के आंसू। अब खुशी के आंसू है कि आप वहाँ पे इतने बड़े धर्म वहाँ जा रहे हैं। लोगों के आंखों में इसलिए आंसू आते हैं कि ये दुआ करें कि हमको भी सरकार अपने दर पे बुलावे। तो चूँकि ये बहुत बड़ा आपके वहाँ के आपके धर्मों के सबसे बड़ा पीठ है, वो सबसे सिद्ध स्थान है, वहाँ पे लोग जाने तरसते हैं और ये सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्थान है। क्या बात है, क्या कहना चाहेंगे सर? आज जा रहे हैं, आप कैसा फील हो रहा है? नहीं, हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है और हम सोचते हैं कि हमारे गाँव के हमारे इस क्षेत्र के और भी लोग इस तरीके से हों कि फिर वहाँ जो है ऊपर वाले हमारे बुलावें और हमारे क्षेत्र के और क्षेत्रवासी और वहाँ। क्या नाम सर आपका? प्रेम सागर मौर्य। देखिए प्रेम सागर मौर्य, अभी मैंने कहा था गंगा जमुनी तहजीब के एक मिसाल कायम करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को जो है साकार करने का एक हमारे साबिर भाई करते हैं, तो वही अपराध। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे? बस अल्लाह पाक खैरियत से पहुँचाए और इनका हज कबूल हो, बस और क्या। अल्लाह पाक खैरियत पहुँचाए और इनके जो है सारी मुरादें पूरी हों। अयोध्या की यहाँ से जो ये ले जा रहे हैं लोगों की, देखिए चारों लोग सुबह से तांता लगा हुआ है इनको उस बधाई देने के लिए, वो संदेश देने के लिए। आज ये मौका बहुत अच्छा है, सब तमाम लोग खड़े हुए हैं जो इनके बहुत ही करीबी हैं और उस जहाँ आज उनको एक ऐसा मौका मिला है कि जहाँ पर एक ऐसे सिद्ध स्थान प्रसिद्ध पीठ जा रहे हैं और लोगों के लिए दुआ लेके आएंगे, वहाँ से लोगों की जो है वहाँ के लोगों से दुआ अपनी पीड़ा वहाँ कहेंगे और वहाँ से जो है इनके लिए दुआएँ लेके आएंगे। थैंक यू।